हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कनिका बत्रा, योर मैथ टीचर. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर पीरियोडिक टू सिलेबस. दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डिवीज़न. डिवीज़न हम लोग आज स्टार्ट करेंगे. डिवीज़न मीन्स क्या होता है कि किसी भी चीज़ को इक्वली शेयर में डिवाइड करना. किसी भी चीज़ को इक्वली शेयर में डिवाइड करना. लाइक यू आर हैविंग 20 पेंसिल्स, आपके पास 20 पेंसिल्स हैं और आपको वो 5 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है. 20 पेंसिल्स हैं एंड यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दैट पेंसिल्स इन 5 स्टूडेंट्स. आपको 5 स्टूडेंट्स को वो पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करनी है. पहले आपने 1 पेंसिल शेयर कर दी, 1 1 सबको, 1 1 1 1, यानी कि 1 बॉय, सेकंड बॉय, थर्ड बॉय, फोर्थ बॉय एंड फिफ्थ बॉय, यानी कि सारे बॉयज़ को एक एक पेंसिल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी. आपके पास कितनी पेंसिल्स बच गई, 1 1 हमने दे दी तो 15 पेंसिल्स. देन मैंने 1 1 और दे दी, 2 2 2 2, यानी कि और 1 1 दे दी, तो अब वापस 5 माइनस कर देंगे, हमारे पास बच गई 10 पेंसिल्स. फिर से 1 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 3 3 3 3, सबके पास 1 1 और चली गई, तो अब दोबारा से 5 माइनस कर देंगे, 10 माइनस 5 5, एक और कर दी 5 1 1 डिस्ट्रीब्यूट, तो अब हमारे पास 5 में से 5 माइनस कर दिया, आ गया 0, यानी कि नाउ वी हैव 0 पेंसिल्स. ठीक है, यानी कि 1 बॉय को हमने कितनी पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 1 2 3 4 पेंसिल्स. कितनी पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं, 4, यानी कि 1 स्टूडेंट गेट 4 पेंसिल्स. 1 स्टूडेंट गेट 4 पेंसिल्स, इसको बोलते हैं इक्वली शेयरिंग ऑफ पेंसिल्स. इक्वल शेयर ऑफ पेंसिल्स, डिवीज़न मीन्स क्या होता है, इक्वल शेयर. हर किसी को इक्वल चीज़ मिलनी चाहिए. ये नहीं हो कि आप इसको 4 दे दो, इसको 5 दे दो, इसको 3 दे दो. नो, यू हैव टू गिव इक्वली ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स. यही चीज़ हम करेंगे. अब देखो, एक चीज़ हमने करी है, एक तो हमने इक्वल शेयर करा, दूसरा हमने क्या किया है कि जो हमारे पास टोटल पेंसिल्स थी उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया है, ताकि हमें पता चल जाए कि वापस और पेंसिल्स कितनी बच गई हैं, यानी कि लेफ्ट एक एक पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमारे पास कितनी पेंसिल्स बच गई हैं. बच गई हैं बताने के लिए हमने इसको क्या किया है, सब्ट्रैक्ट. 15 माइनस 5 10 10 माइनस 5 5 5 माइनस 5 0. ठीक है, यानी कि जो डिवीज़न होती है वो किसके साथ कनेक्टेड होती है, सब्ट्रैक्शन के साथ. किसके साथ कनेक्टेड होती है, सब्ट्रैक्शन के साथ. नेक्स्ट आपके पास है रिकॉल पार्ट है. देखिए यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है हमारा सिमिलर है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसके जैसा ही रीड करेंगे. डिवाइड द गिवन ऑब्जेक्ट्स इन टू इक्वल ग्रुप्स. आपको इक्वल ग्रुप्स में इन ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. जैसे आपके पास है 3 ग्रुप्स ऑफ 6 ईच, यानी कि आपको ग्रुप तो बनाने हैं 3. यहाँ पे हमारे पास कितने ग्रुप बन गए, 1 2 3 4 5, हमारे पास कितने ग्रुप्स बन गए, 5 ग्रुप्स. और इसके अंदर पेंसिल कितनी है, 4 ईच, यानी कि 1 ग्रुप में कितनी पेंसिल्स हैं, 4. 5 ग्रुप्स 4 ईच, इसका मतलब क्या हो गया कि जो ग्रुप हैं वो जो हैं टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हैं 5, और 1 स्टूडेंट के पास कितनी पेंसिल गई है, 4 पेंसिल्स. ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट देखेंगे. 3 ग्रुप्स ऑफ 6 ईच, यानी कि 1 ग्रुप में कितने मैंगोज़ हैं, 6. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ग्रुप कितने बना दिए उसने, 3. ग्रुप कितने बना दिए उसने, 3, और मैंगोज़ कितने हैं, 6. सेम एज इट इज़ आपको करना है. 4 ग्रुप्स ऑफ 7 ईच, यानी कि आपको ग्रुप कितने बनाने हैं, 4, और 1 ग्रुप में कितने बॉल्स होंगी, 7. 1 2 3 4 5 6, यहाँ से मैं सर्कल करना स्टार्ट करती हूँ, ये हो गए 6, और एक ये वाला ले लिया मैंने, ये हो गए 7. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, सेम एज इट इज़ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से मैंने करना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसका 1 बन गया. नेक्स्ट आपको करना है 1 2 3 4 5 6 7, सेम एज इट इज़. ठीक है, तो हमारे पास टोटल ग्रुप कितने हो गए, 1 2
थ्री फोर, ग्रुप कितने हो गए हमारे पास फोर, और वन ग्रुप के अंदर कितने बॉल्स हैं हमारे पास सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 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 सेवन, यानी कि वन ग्रुप में सेवन बॉल्स हैं और टोटल ग्रुप्स कितने हो गए आपके पास फोर। सेम एज इट इज़ हम करेंगे फाइव ग्रुप्स ऑफ नाइन ईच, यानी कि वन बॉक्स में कितने होने चाहिए नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, यहाँ तक सेम एज इट इज़ करेंगे आप, फाइव ग्रुप्स बनाएंगे, नाइन नाइन कैंडल्स होनी चाहिए वन ग्रुप में। नाउ यू विल गिव जस्ट एग्जांपल्स, देयर आर 16 सर्कल्स, ड्रॉ एन इक्वल नंबर ऑफ सर्कल्स इन द स्क्वायर्स गिवन बिलो। 16 16 टोटल सर्कल्स आपके पास है 16, तो 16 को जब हम टू बॉक्सेस में डिवाइड करेंगे तो वन बॉक्स में कितने सर्कल्स आएंगे ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल सर्कल्स कितने हैं हमारे पास 16, 16 को हमने कितने सर्कल्स में डिवाइड करना है टू सर्कल्स में, कितने सर्कल्स में डिवाइड करना है टू सर्कल्स में, तो टू के टेबल में आप क्या चेक करोगे 16 कौन से नंबर पर आता है एट, तो हम यहाँ पर कितने सर्कल्स ड्रॉ कर देंगे एट सर्कल, एट इस बॉक्स में एट इस बॉक्स में, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट एंड एट, ठीक है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है आपके पास, देयर आर 24 लड्डूज, आपके पास टोटल लड्डूज कितने हैं 24, दीज शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू फोर प्लेट्स, 24 लड्डूज को आपने फोर प्लेट्स में इक्वली डालना है, इसकी स्टेटमेंट बनानी है, हाउ मेनी लड्डूज विल बी प्लेस्ड इन ईच प्लेट, ईच प्लेट यानी कि वन प्लेट, यूज सर्कल्स टू शो द लड्डूज इन ईच प्लेट, आपको यहाँ पे लड्डूज ड्रॉ करने हैं, ठीक है, बट उसके लिए हम डिवीज़न स्टेटमेंट बनाएंगे, डिवीज़न स्टेटमेंट बनाने का तरीका क्या होता है, टोटल लड्डूज कितने हैं 24, ठीक है 24, हमें कितनी प्लेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो फोर प्लेट में, आपको चेक करना है फोर के टेबल में 24 कौन से नंबर पे आता है, फोर वन ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी, फोर सिक्स ज़ा 24, तो इसको हमने क्या कर दिया सिक्स, इट इज़ रीड एज, इसको हम रीड क्या करेंगे 24 डिवाइडेड बाई फोर इज़ इक्वल्स टू सिक्स, यानी कि वन प्लेट में हमारे पास कितने लड्डू आ जाएंगे सिक्स लड्डू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ भी सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया 10 इन ईच प्लेट डैश लड्डूज आर प्लेस, तो आपके पास वन प्लेट में कितने लड्डू हो गए सिक्स लड्डूज, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ऑफ डिवीजन सम्स, आपको क्या करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को डिवीज़न में यानी कि डिवाइड करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेम एज इट इज़ है डिवीज़न एंड इक्वल शेयर, आपके पास ये बीट्स हैं हमने इन बीट्स को इस वायर के अंदर डालना है, तो पहले वन वन बीट्स डाले हैं फिर टू टू बीट्स डाले हैं, देखो हमने सबको इक्वली रखा है, ये नहीं किया इसमें वन डाल दिया इसमें टू इसमें थ्री इसमें फोर, नो इक्वल रखना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हर चीज़ इक्वल होनी चाहिए, कोई भी अनइक्वल थिंग नहीं होनी चाहिए, थ्री थ्री फोर फोर देन फाइव फाइव देन सिक्स सिक्स बीट्स देन सिक्स बीट्स जाने के बाद आपके पास यहाँ पे जीरो बीट्स बच जाते हैं, यानी कि वन फाइव वन वायर में हमने कितने बीट्स डालने हैं सिक्स बीट्स, हाउ मेनी बीट्स आर प्लेस्ड इन ईच गार्लैंड, सब के अंदर कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सब में कितने बीट्स आ गए सेवन, टोटल बीट्स कितने थे 42 और गार्लैंड्स कितनी हैं आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी कि सिक्स गार्लैंड्स हैं और वन गार्लैंड में सेवन बीट्स हैं, तो सेवन सिक्स 42, ठीक है 42 को हमने डिवाइड किया सिक्स गार्लैंड्स में, आंसर क्या आ गया आपके पास सेवन, लाइक दैट वी विल डू, इसको बोलते हैं डिवीजन स्टेटमेंट बनाना, देयर आर 36 लड्डूज, फाइंड आउट हाउ मेनी लड्डूज ईच ऑफ रिकीज फ्रेंड विल गेट, उसको कितने लड्डूज मिलेंगे, रिकी वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 36 लड्डूज अमंग इक्वल हिज फोर फ्रेंड्स, तो स्टेटमेंट बनाएंगे डिवीजन स्टेटमेंट, टोटल लड्डूज आर 36, फोर फ्रेंड्स हैं, फोर के टेबल में 36 कौन से नंबर पे आएगा फोर नाइन जा 36, तो वन स्टूडेंट गेट नाइन लड्डू, ठीक है इन्हीं स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे, रिकी वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 36 लड्डूज इन सिक्स फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या राइट डाउन करेंगे सिक्स, फिर आपको चेक करना है सिक्स के टेबल में 36 कौन से नंबर पे आता है,
टेबल्स, इसीलिए मैंने बोला था कि आप टेबल्स लर्न करेंगे तो 6 के टेबल में 36 जिस नंबर पे आता है आपका वो आंसर हो जाएगा. तो यू विल डू दिस चेक पॉइंट वन टूडे एंड रिकॉल. ठीक है, दिस इज योर वर्क फॉर टूडे. डू इट एंड रीड दिस, अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. इफ यू विल फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन कॉन्टैक्ट मी. ओके, हैव फन.